हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स की नई वीडियो और बात कर रहे हैं लेजर से ही स्टार्ट। लो जी बेटा, आज का एग्जांपल नंबर वन। बेटा मैंने अभी तक कोई भी जर्नल एंट्री में डेट नहीं दी, ठीक है। आज मेरा मूड है बेटा डेट के साथ करते हैं, ठीक है जी। और आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, आप मेरे साथ सॉल्व कराएंगे बस, ठीक है जी। लो जी एग्जाम्पल नंबर वन, 1st of April को स्टार्टेड आ बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड आ बिजनेस विथ कैश ₹30,000 ऑन 10th of July, ईयर भी लिखी लो 2020, ऑन 10th of July परचेस्ड फर्नीचर ₹6,000, 30th December डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, 5th of February ड्रॉइंग्स ₹3,000। चलो बस इसको ही जर्नलाइज करेंगे, इसी का लेजर बनाएंगे एक बार बहुत जल्दी जल्दी से। फिर बेटा यहीं से लिंक करूंगा, एक नई चीज सिखानी है बेटा। हर एग्जाम्पल कराने के पीछे कोई लॉजिक होता है, ये मत समझना इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। यहीं से लिंक करूंगा एक बात, ठीक है जी। फटाफट से आप बताएंगे जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए। स्नेहा पहली एंट्री क्या होगी, स्टार्टेड आ बिजनेस विद कैश 30,000। स्नेहा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर ये भी एंट्री नहीं याद हुई तो आज तक तो बस फिर तुमने क्या ही करा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना बेटा, 30,000 रुपी। परचेज फर्नीचर राघव, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज, वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए आता है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट है, सही जा रहा है भाई बिल्कुल, जर्नल एंट्री नहीं आ रही आज तक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटा परचेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए लगाया जाता है, बाकी सारी एसेट्स का नाम लिखा जाता है। क्रिस, अरे यार डेट साथ साथ लिखते जाओ। 1st of April को ये हुआ है बेटा, 2nd transaction ऑन 10th of July, 3rd one ऑन 30th December, क्या हुआ होगा क्रिस बेटा? बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा और कैश का बैलेंस कम हो गया होगा 10,000। खुशी लास्ट एंट्री ऑन 5th of February, क्या हुई होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। जर्नल एंट्री बिल्कुल ओके है, जर्नल एंट्री को बेटा दो बार परख जरूर लिया करो, क्योंकि अगर ये ठीक होंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है जी। चलो लो प्यारे बच्चों फटाफट से पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं। और लेजर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को बेटा एक बार रब कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्या करना हमने, इन ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री हमारे पास है। लो बेटा अभी कितने लेजर बनने वाले हैं बेटा, काउंटिंग कर लें। कैश कैपिटल फर्नीचर कैश बैंक कैश, 5 लेजर बनेंगे जी, ठीक है जी। फटाफट से बनाएं। लो जी बाबू आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। या चलो एक काम करो, आप और मैं अलग अलग कर रहे हैं, चलो करो ट्रायल बैलेंस तक बनाओ, फटाफट से बनाओ, ठीक है जी। आप चीटिंग मत करना मेरी, मुझे पता है मैं छुपा छुपा के करूँगा, ऐसे ही करते हैं ना टॉपर छुपा छुपा के, वैसे ही करूंगा मैं। विद डेट करना मुझे ठीक चाहिए आंसर,
लो प्यारे बच्चों, फटाफट से सॉल्यूशन नोट करो। बेटा यहां से ना अब मुझे एक नया कंसेप्ट सिखाना है, बहुत आराम से आप मेरी तरफ देख रहे हैं। कल हमने एक नया कंसेप्ट सीखा था बेटा, पोस्टिंग ऑफ कॉम्बो एंट्री, याद है ना? पोस्टिंग सिखाई थी ना हमने कंबाइंड एंट्री की। बेटा अब यहां से एक और नई बात सीखेंगे, पहले बेटा एनालिसिस करते हैं। बेटा अभी तक मैंने जितनी भी बार पोस्टिंग करी है, शायद एक बार मैंने कुछ फिगर्स में, कुछ ट्रांजैक्शन में मैंने डेट ली होगी, अब दूसरी बार ली है। बाबू हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी आप बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हो, वो बेटा लास्ट डे होता है फाइनेंशियल ईयर का, और जब भी आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो, वो बेटा फाइनेंशियल ईयर का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन होता है। आप खुद सोचो ना क्या हुआ, पूरे 2020 से लेकर 2021 तक आपने कैश से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी, साल के आखिरी दिन 11,000 रुपए बचे, तो बेटा अगले साल के पहले दिन भी 11,000 होंगे, कोई चोरी करके थोड़ी ले गया। अगर मैं रात को गल्ले में 11,000 छोड़ के आया हूँ 31 मार्च को 2020 को 8 बजे, तो सुबह जाऊंगा बेटा 1 अप्रैल को जाके गल्ला खोलूंगा, 11,000 ही मिलेंगे बेटा, ठीक है ना? तो बेटा जितना बैलेंस पिछले साल के क्लोजिंग डे पर होगा, उतना ही बेटा नए साल के ओपनिंग डे पर भी होगा। यही तो बात है ना बेटा। अब देखो बाबू, मैंने सबका बैलेंस निकाला, अब देखो मैंने कैश का बैलेंस भी निकाला, ऐसे ही कैपिटल का लास्ट डे पे बैलेंस देखा, तो बेटा कुछ बदल थोड़ी गया। प्रोपराइटर ने पिछले साल के आखिरी दिन तक 30,000 रुपए लगा रखे हैं, तो अगले दिन की शुरुआत में भी 30,000 रुपए लगा रखे हैं। सेम बात पर रीचर के लिए, सेम बात बैंक के लिए, सेम बात ड्रॉइंग्स के लिए मैंने कर ली, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात सुन लो बेटा, ये समझ में आया? साल के फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बेटा हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं। आपको याद है हमने कभी ओपनिंग एंट्री पढ़ी थी एक जर्नल एंट्री में, ओपनिंग एंट्री के नाम से मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, आज उसकी पोस्टिंग सीखनी है। तो यानी कि मेरे लिए नया कंसेप्ट क्या है? अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो बेटा मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। लो मेरे प्यारे बच्चों, सब मेरी तरफ देख रहे हैं और आज हम इसकी पोस्टिंग करना सीख रहे हैं बहुत आराम से। मैं सिर्फ एक ही एंट्री लूंगा, सिर्फ ओपनिंग एंट्री, और किसी की पोस्टिंग सिखा नहीं रहा बेटा। जब इसकी पोस्टिंग सिखा दूंगा तो बेटा एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें ओपनिंग एंट्री भी होगी और बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है जी? चलो मान लो बेटा मुझे कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 है आज का, जर्नलाइज द फॉलोइंग, और बेटा मुझे सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री देता है, कहता है बैलेंस एज ऑन 1st of April 2021 वॉज कैश 60,000, डेटर के नाम देता है एक्स वाई एंड जेड, डेटर से पैसे लेने हैं 20,000, 10,000, 5,000, बैंक बैलेंस 60,000, परचेज 80,000, और बेटा मुझे देता है क्रेडिटर्स 1,00,000। मान लो बेटा मुझे क्वेश्चन ये देता है ओपनिंग एंट्री, मुझे कहता है जर्नलाइज करो एंड प्रिपेयर लेजर 2। लो जी मैं क्वेश्चन को और बढ़ा देता हूं, प्रिपेयर लेजर 2। लो जी बेटा मुझे क्या करना है बेटा, एक तो जर्नल एंट्री करके देनी है और एक बेटा लेजर बना के देना है। अब काम की बात क्या है बाबू, हमने ना 2 बातें सीखी थी ओपनिंग एंट्री में। देखो सारी एसेट्स डेबिट होती हैं बेटा, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। अब बाबू कहीं ना कहीं क्वेश्चन ना बैलेंसिंग फिगर छोड़ देता है। बाबू अगर आप देखोगे ये भी एक एसेट है, डेटर भी एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है, परचेजेस भी बेटा एसेट है, डेबिट होती है, ठीक है ना बेटा, और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है ना, एक लाइबिलिटी दी हुई है, सब एसेट्स दी हुई है। अगर आप देखोगे बेटा कभी भी डेबिट साइड का टोटल ऐसे केसेस में क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ नहीं रहा होता, या तो डेबिट में कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है या क्रेडिट में आ रही होती है। बेटा क्रेडिट में आ रही होती है तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर का नाम लिखता हूं कैपिटल, याद करो ओपनिंग एंट्री बेटा। और कभी डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है तो बेटा मैं बैलेंसिंग फिगर का नाम लिखता हूं गुडविल, याद आना बहुत मुश्किल है बेटा, फिर अगेन बादाम तोड़ी खाएं हमने बेटा,
याद ही नहीं आती हमारे को कोई चीज याद बताने लगो तो 10 दिन 15 दिन पुरानी बात, ठीक है ना। मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ बेटा, फिर पोस्टिंग की बात करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये बैलेंस कब दे रखा है, 1 अप्रैल को, यानी कि नए साल के पहले दिन दे रखा है बैलेंस, ठीक है ना। मैं यहां से एक बात लिंक करना चाहता हूँ, ठीक है जी बेटा। तो पहले जर्नलाइज करेंगे और फिर बेटा लेजर बनाएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है ना। जल्दबाजी मत करना लिखने की बेटा, क्योंकि अगर सीख लिया लिखा तो जाएगा ही बेटा। लो जी, तो बेटा सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जर्नलाइज करना सिखाओ मुझे बेटा। एक ही एंट्री है ये, सिर्फ कैश दे रखा है, सारी एसेट डेबिट होती है, कैश डेबिट, सारे डेटा डेबिट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड सबको डेबिट कर दिया जी। और भी कोई एसेट है बेटा, बैंक बैलेंस डेबिट कर दिया बेटा, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, डेबिट कर दिया बेटा। और क्या दे रखा है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट कर दो। एक लाइन छोड़ देना, क्यों छोड़ी है बेटा एक लाइन, क्योंकि आप भगवान अंतर्यामी तो नहीं बेटा। ऐसा हो सकता है बैलेंसिंग बेगा डेबिट साइड आ जाए तो बेटा गुडविल लिखनी पड़ दे, और क्रेडिट साइड आएगी तो क्रेडिटर के नीचे लिखी दूंगा। और अगर आपने एक लाइन छोड़ी हुई है, क्रेडिट साइड ही आ गई, तो बेटा यहीं लिख देना टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, लाइन भी खराब नहीं जाएगी आपकी, ठीक है ना जी। चलो बेटा, कैश का बैलेंस कितना है, 60,000, डेटर का बैलेंस है 20,10,5, बैंक बैलेंस 60,000, परचेजेस 80,000 और कैपिटल 1,00,000। बेटा याद है एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट, हर एसेट की एक लाइबिलिटी होगी, हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बिजनेस में कि हर डेबिट का एक क्रेडिट ना हो, वो भी इक्वल अमाउंट का ना हो, हमेशा इक्वल अमाउंट का होगा। तो बेटा यहां डेबिट का टोटल करना, 60, 20, 80, 90, 95, 155 और बेटा 235, 235,000 का डेबिट और क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 के, यानी कि बेटा क्रेडिट साइड में 1,35,000 शॉर्ट है, ऐसा ही है। और बेटा क्या होगा अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो नाम हमेशा कैपिटल आएगा, डेबिट आती तो बेटा गुडविल होता, याद है बात। तो बेटा क्या करूंगा, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आप ब्रैकेट में जरूर लिख देना, बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, जर्नल एंट्री हो गई, ओपनिंग एंट्री के जर्नल एंट्री पहले भी सीखी हुई है, मुश्किल बात क्या है, लेजर मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। खैर इसमें लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो बेटा कितने सारे अकाउंट बनने वाले हैं, पहले गिनो एक एंट्री में अकाउंट कितने बनने वाले हैं, मजा तो अभी आएगा बेटा। 1, 2, मैं तो गिनती भूल गया बेटा, इतने सारे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अकाउंट बनने वाले हैं बेटा। जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा लिखूंगा क्या, बस ये बता दो, पोस्टिंग किस साइड करूं, कैश कहाँ लिखा है भाई ये बताओ फटाफट से, डेबिट साइड, पोस्टिंग किस साइड होगी, डेबिट साइड, नाम किसका आएगा, नहीं अब यही काम की बात है, सुन लो बेटा, ये मैं जो एंट्री कर रहा हूं ना, ये मैं बैलेंस की एंट्री कर रहा हूं, जो 1 अप्रैल को बिजनेस में बैलेंस पड़ा है। अभी देख लो, मैंने एक चीज जान के रब नहीं करा, एक अकाउंट कोई भी बैलेंस साल के पहले दिन पड़ा होता है, मैं उसको किस नाम से लिखता हूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखता हूं, सुन लो। कैश अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि डेबिट में लिखा हुआ है कैश, डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट में एंट्री करूंगा, ये है मेरी डेबिट साइड, लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। एक्स का अकाउंट बनाऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, वाई का अकाउंट बनाऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कहां लिखा है, क्रेडिट साइड, 1 अप्रैल को बैलेंस पड़ा है, बैलेंस की एंट्री हमेशा ब्रॉट डाउन ही होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 135, क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000। यानी कि बेटा ये जितने भी अकाउंट आएंगे ओपनिंग एंट्री में सबका नाम बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आएगा, क्योंकि ये साल के पहले दिन का बैलेंस है। और पहले दिन के बैलेंस का क्या होता है, अभी मैं दिखा रहा था आपको, मैंने जान के कराया पिछला क्वेश्चन, ये दिखाने के लिए पहली तारीख को जो बैलेंस होता है वो हमेशा ब्रॉट डाउन के नाम से जाता है। और क्या होगा बेटा, क्वेश्चन यहां थोड़ी रुकेगा, क्वेश्चन इसके बाद 5-6 एंट्री और देनी है, तो क्या होगा बेटा, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से सबके अलग अलग अकाउंट बना दो, फिर उन्हीं से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, जिस नाम से होगी वैसे ही पोस्टिंग करनी है, नॉर्मल क्वेश्चन, बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल है, सिर्फ यही एक बात एक्सेप्शनल है।
समझ आई बात, सबको क्लियर हुई? फटाफट से करके दिखा दूं कि क्या करने वाला हूं, फॉर्मेट नहीं बना रहा बेटा ढंग से, ठीक है? मैं बहुत जल्दी से करके दिखा देता हूं कि क्या होने वाला होगा बेटा। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, बच्चों के पास नहीं होता ये मौका, ये सिर्फ मौका जो मैं कर रहा हूं ये टीचर के पास होता है। मैंने तो एक ही बार फॉर्मेट बनाया बेटा, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। लो जी, सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं कैश अकाउंट। बेटा कैश अकाउंट डेबिट साइड लिखा है तो पोस्टिंग कहाँ होगी? ऑन द डेबिट साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है। मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 अप्रैल को पोस्टिंग कर रहा हूं साल के पहले दिन, तो क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, यही बैलेंस कैरेट डाउन निकल जाएगा, यही दोबारा ब्रॉट डाउन निकल जाएगा, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया जानबूझकर। अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, एक्स का अकाउंट बनेगा, तो बेटा अपोस्ट्रोफी एस लगा लेना बेटा। क्या होगा, ये भी डेबिट साइड दिया हुआ है तो बेटा ये भी डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा 20,000। वाई का अकाउंट दिया हुआ है बेटा डेबिट साइड, तो बेटा ये भी स्टार्ट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। जेड का अकाउंट दिया हुआ है बेटा ऑन द डेबिट साइड, ये कैसे स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा 5,000। बैंक का अकाउंट दिया हुआ है बेटा डेबिट साइड, 1 अप्रैल 2021, ये भी स्टार्ट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। नेक्स्ट अकाउंट परचेज का डेबिट साइड लिखा हुआ है बेटा, 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ये सारे बेटा डेबिट में लिखे हुए थे, मैंने डेबिट में पोस्टिंग कर दी। अब बेटा दो बातें क्रेडिट में भी लिखी हुई हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो पोस्टिंग कहाँ होगी बेटा, ऑन द क्रेडिट साइड 1 अप्रैल 2021, क्या नाम आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया था बैलेंसिंग फिगर 135,000। और बेटा ऐसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹1,00,000। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कितनी आसान है, ठीक है ना? नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कोई कहे मुश्किल है तो बेटा देखो ये बात नहीं समझ में आएगी, ये डाइजेस्ट नहीं होगा मुझे अगर आप इसे मुश्किल बोलोगे तो, ठीक है ना? बस नंबर ऑफ अकाउंट कुछ ज्यादा है ये आप कह सकते हो, ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बेटा लेंदी सा, जिसमें एक ओपनिंग एंट्री होगी और 4-5 एंट्री और होंगी, हम करेंगे क्या बेटा आखिरी तक करेंगे, ट्रायल बैलेंस तक, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, लेजर और बेटा ट्रायल बैलेंस, हम मतलब होता है आप, मैं खाली बैठूंगा, ठीक है जी। चलो लिखो फटाफट से, डेट वाइज करेंगे बेटा, डेट वाइज जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड ब्रॉस, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड ब्रॉस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो, सीरिया नंबर 1, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज एज फॉलो, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज एज फॉलो, कैश अकाउंट 60,000, परचेजेस 30,000, 60, परचेजेस 30, डेटर्स में नाम लिख लो, 3 नाम है डेटर के, ABC, A 20,000, B 30,000, C 40,000, बैंक लोन
150,000 कैपिटल 4 लाख समझदार बच्चे समझ गए बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा। सर दो ही चीजें आ सकती हैं, अगर कैपिटल गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर 110% गुडविल है। ठीक है जी, चलो देखेंगे। चलो जी सीरियल नंबर 2 में लिखो, डेट लिख लेते हैं पहले, 15th of May 2021 परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटेड टू रुपीज 15,000 पॉइंट नंबर 3 श्याम वास पेड 14,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, श्याम वास पेड 14,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। पिछली डेट क्या थी, 15th of May ना, 16th of May कर लो बेटा, जिस डेट पे शाम को पे करा है वो है 16th of May। ऑन 30th June नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखो, ऑन 30th June गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 30th September नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ऑन 30th September प्रोप्राइटर विड्रीव फॉर पर्सनल पर्पस रुपीज 6,000। जर्नलाइज द फॉलोइंग, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जर्नलाइज करना है आपने, लेजर प्रिपेयर करना है और ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करके देना है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।